मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 मई 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 13 दिसंबर 1990 और मुरली का सार है तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरो से भी अमूल्य हैं। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की यादगार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हाने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते और बच्चे भी चाहते, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। ना सिर्फ 1-2 वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? क्या करना है बच्चों को? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूपों से सेवा अभी अति आवश्यक है, इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना? बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे कि मैं किस में हूँ। उमंग उत्साह से कर रहा हूँ पुरुषार्थ के, प्रोग्राम मिला है तो इसलिए कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछना है, चेक करना है। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। प्यार तो है, लेकिन प्यार के बदले में प्यार के गिफ्ट का रिटर्न क्या होगा? कि बाबा के समान बनना है, बाप दादा के समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं। इसमें कोई में कोई निकलता है, चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर से किनारा छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो।
प्यारे बनने में होशियार हैं और न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या भी चाहिए और साथ में वैराग्य की वृत्ति भी चाहिए, उसमें से डिटैचमेंट भी चाहिए। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द पक्का करो। दो तीन लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना तो बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा इकोनॉमी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना? एक का पाठ मुश्किल है व सहज है? बाबा कह रहे हैं बताओ, है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो बोलेंगे ना? बाबा कहते हैं सहज है, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना कि मुश्किल है। पापा कहते बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे, और बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। बाप भी मोहब्बत से करता और बच्चे भी। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता, और मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। कहते हैं ना, ये मजबूरी में टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अगर क्रॉस करने का ऐसे सोचोगे तो क्रॉस मतलब क्रॉस पे चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे? बाप दादा सभी कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, कौन कौन से किनारे जो हमें छोड़ने हैं। बाबा कहते हैं वो फिर कभी सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी हैं नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, पापा ने कहा कि तपस्या करना बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना? किनारों को छोड़ना मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बनना भी आपको ही है, बच्चों को ही बनना है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। हर कल्प में अधिकारी बने हो तो बाबा कहते हैं अब भी बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना? मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर्स क्या करेंगी? बाबा से नए बच्चे मिलने आए ना मेजॉरिटी में, तो बाबा कहते टीचर्स क्या करेंगी? वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी। क्या उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें? करके दिखाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? बाबा फिर पूछ रहे हैं।
तो बाबा कहते जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवें, दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिमान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा? सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिख व प्रेम से यादगार याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। तो बाबा ने कहा अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना, अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए आठ भुजाएं दिखाते हैं, विशेष आठ शक्तियां हैं। वैसे हैं तो बहुत, लेकिन आठ में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना, विदेश में कितने तैयार हैं, अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा था, तो बाबा कहते अच्छा है, जाना तो सबको है ही। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासियों का क्या होगा, मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब किताब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी हो जाना। अच्छा, और बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, तो पहली पार्टी थी दिल्ली और पंजाब, दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रत्न हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई हैं। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है, बाबा फिर पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है, और समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे, समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आवाहन करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? बाबा ने फिर पूछा कि दुख लेना चाहते हो क्या? इसलिए सदा आदि रत्न है अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले,
ऐसे हो या देखते हो कि पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे, करने में पहले मैं और दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, यह भी बदले तो मैं बदलूं, नहीं, जो करेगा सो पाएगा। और कितना पाएंगे? एक का पदम गुणा। तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, श्रीमत को पहले प्रैक्टिकली मुझे अपने जीवन में लाना है, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, और बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना, तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ रही है, और अगर मोहब्बत हो गई तो मेहनत कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा, वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए ना, क्योंकि कोई डरने वाले हो कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, उनको भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए, चाहे ज्ञान नहीं दो लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी तो शांत कर देते हैं ना। अच्छा, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रीय, ना मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो, और ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो, यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे हो? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन तो ईश्वरीय सेवाधारी हो, है ना? माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती है ना कि हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? ये ब्रह्मा कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं, चाहे गाली भी देते हैं लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना, कहते हैं ना ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसी हैं, बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो कहते हैं ना, फिर भी बाप का नाम तो लेते ही है ना, चाहे जाने व ना जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे, क्या कहेंगे, हम तो बेसमझ थे आपने क्यों नहीं दिया। तो कोई कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को दे देते हैं, कोई पूरा लेते कोई यथाशक्ति लेते हैं, फिर बाप दादा कभी कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, कहते हैं बाबा ऐसे क्यों नहीं लेते हो। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना, दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहें फिर आप दो तो ये लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना, देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है,
देवताई चोला तैयार है ना, सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, पापा पूछ रहे नहीं दी है ना, पापा कहते धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना, आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता। दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। अच्छा, और बाबा ने वरदान दिया, यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकते। इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। और स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।